गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा 18 अगस्त को जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, जो टेस्ट सीरीज के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ उसके अंदर जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट की है टेस्ट सीरीज के अंदर, उनके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले जिन विद्यार्थी या जो विद्यार्थी 25 अगस्त से हमारी सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज संस्कृत डिपार्टमेंट की स्टार्ट होने वाली है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका सिलेबस क्या होगा वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही साथ यूट्यूब पर डाल दिया है। उसी तरीके से मैथ्स की जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। 25 अगस्त को मैथ्स का चौथा पेपर होगा। इन सब के बाद आज से थोड़ा सा मैं टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस दे रहा हूं और कोशिश ये कर रहा हूं कि टेस्ट सीरीज के अंदर भी मैं टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस आपको समझाऊं जिनका आप सबको आगे चलकर फायदा मिले। थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा 18 अगस्त को जो पेपर हुआ था परसों, उसके अंदर सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन था वो ये है। एक बात और, इस बार से जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी वो बोथ मीडियम में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको टेस्ट अवेलेबल होंगे, तो जरूर जरूर देखें। अब देखें, जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन आता है वो बेसिक टर्मोलॉजी पर आता है। आपको 4 या 5 प्रॉपर्टीज दे रखी होती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगी और वो प्रॉपर्टी कौन सी है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी। इसी बेसिस के ऊपर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर फर्स्ट ग्रेड 2013-2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया। उसी बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने बनाए हैं। क्वेश्चन यह है कि आपको यहाँ 4 प्रॉपर्टीज दे रखी है। पहली प्रॉपर्टी क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है। दूसरी प्रॉपर्टी एंट्रोपी है। तीसरी प्रॉपर्टी पीएच है और चौथी प्रॉपर्टी सेल का विद्युत भाग बल है। और पूछा गया है इन 4 प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, या इन 4 प्रॉपर्टीज के अंदर वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जो मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। कहने का मतलब वो प्रॉपर्टीज आपको इन चारों में छांटनी है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। आप सबको पता है पहली प्रॉपर्टी आपको यहाँ बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। बॉइलिंग पॉइंट कभी भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। अगर आपको कह दिया जाए थोड़ा सा पानी है, बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो भी आप कहोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, मुझसे पूछा जाए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो भी मैं कहूंगा कि सर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, यानी बॉइलिंग पॉइंट आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पहली तो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और हमें वही चुननी है, इन चारों में इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही चुननी है। दूसरी एंट्रोपी। एंट्रोपी आप सब जानते हैं अव्यवस्था है, और अव्यवस्था कहीं ना कहीं पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। आपने देखा भी होगा अव्यवस्था एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी आप सबको पता है हमें यह बताती है, अव्यवस्था की माप बताती है कि कहीं कितनी अव्यवस्था है। हम किसी शादी के अंदर गए और शादी में बफर सिस्टम है और बफर सिस्टम बड़ा शानदार है, लेकिन शादी जिसकी है बड़ा वीआईपी है, भीड़ उमड़ जाती है, आप कहते हो जबरदस्त अव्यवस्था है, पूरी का नंबर ही नहीं आता, अव्यवस्था है। तो एंट्रोपी कहीं ना कहीं पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर वहीं कहीं ऐसी शादी है, खाना भी शानदार है, लोग बाग भी कम है, आप कहोगे बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है, एंट्रोपी है, वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तो जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है एंट्रोपी, ये आप सबको पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये कहीं ना कहीं पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तो सीधी सी बात, एंट्रोपी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा पीएच। पीएच इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। थोड़ा सा खून दूं, पूछूं बेटा पीएच कितनी है, 7.4 सर। 5 लीटर ब्लड की पीएच कितनी है, 7.4। इसका मतलब किसी भी चीज की जो पीएच है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चौथा यहां पर हमें दिया हुआ है सेल का विद्युत भाग बल। आप सबको पता है जनरली जो हमारे सेल आते हैं वो 1.1 वोल्ट के आते हैं। याद हो तो पुराने जमाने में बड़े मोटे मोटे सेल आया करते थे, तो उनका विद्युत भाग बल भी 1.1 वोल्ट हुआ करता था। और आजकल जो हमारे पेंसिल सेल आते हैं उनमें भी लिखा रहता है कि साहब हमारे विद्युत भाग बल 1.1 वोल्ट है।
तो इसका मतलब सेल का विद्युत भाग बल भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसीलिए इन चारों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट, पीएच और सेल का विद्युत भाग बल, ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का विद्युत भाग बल, ये तीनों आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन आपकी जो एंट्रोपी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप कहोगे पीएच इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप कहोगे सेल का विद्युत भाग बल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तो हमारा आंसर होगा जिनमें वन, थर्ड और फोर्थ दे रखा हूं, ऐसा आंसर हमारा थर्ड है, इसीलिए मैंने इसका आंसर थर्ड रखा। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो जरूर आप इन क्लासेस को शेयर करा करें, जरूर लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करें। दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा पेपर का कि आपको यहां 9 प्रॉपर्टीज दे रखी थी, टोटल दिख रही होंगी आपको 9 प्रॉपर्टी, और आपको इन 9 प्रॉपर्टीज में ये छांटना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कुल कितनी है, इनमें से वो प्रॉपर्टीज कितनी है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। आपको इन 9 प्रॉपर्टीज में से ये बताना है कि हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनमें कितनी है। तो जैसे पहला पॉइंट है फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, पहले ही मैं आपको बता चुका जितनी भी एनर्जी हो, चाहे वो आपकी इंटरनल एनर्जी कहे, चाहे वो आपसे गिब्स फ्री एनर्जी कहे, चाहे वो आपसे काइनेटिक एनर्जी कहे, कहीं भी एनर्जी शब्द लिखा हुआ आ जाए तो एनर्जी हमेशा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। थोड़ा खाओगे एनर्जी कम मिलेगी, मचक के खाओगे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो पहला पॉइंट जो इसके अंदर दे रखा है फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, आप सबको पता है ये जो मुक्त ऊर्जा है ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। सबको पता होता है डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद करेंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो अनुपात होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ जो घनत्व है वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी, जैसे शहद की विस्कोसिटी फिक्स है, पानी की विस्कोसिटी फिक्स है, वो कभी भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। पहले ही बता चुका जिसके आगे विशिष्ट लग जाए या जिसके आगे मोलर लग जाए वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। विशिष्ट ऊर्जा धारिता आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलर ऊष्मा धारिता इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, गतिज ऊर्जा आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और जो एम पे निर्भर करे, जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। विशिष्ट शब्द लग गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, सब जैसे हीरे का परावैद्युतांक, सबका पानी का परावैद्युतांक, जैसे पानी का परावैद्युतांक 80 होता है, तो थोड़ा पानी हो ज्यादा पानी हो उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो 80 रहेगा ना, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इन 9 प्रॉपर्टियों में आपको दिख रहा होगा 7 प्रॉपर्टी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो हमारी एनर्जी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी एनर्जी जो है फ्री एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा 9 में से 7 प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, 7 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमसे फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया, और आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि कोई थर्मस फ्लास्क है और उसके अंदर बर्फ रखी हुई है तो वो कौन सा सिस्टम है। यहाँ थर्मस फ्लास्क का मतलब यह है कि जो थर्मस फ्लास्क की जो दीवारें हैं वो कुचालक है, वो इस प्रकार की दीवारें हैं कि वो किसी भी प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करेंगे। और आप सबको पता है कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, वो सिस्टम आप सबको पता है आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। और जो आइसोलेटेड सिस्टम है वही एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ऊष्मा का किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता। और जो हमारी थर्मस फ्लास्क की जो दीवारें होती हैं वो कुचालक मानी जाती हैं, वो ऐसी मानी जाती हैं कि यहाँ ऊष्मा का किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका आंसर क्या रहा, थर्ड रहा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं, दो स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन फिटेड हमने एक गैस सिलेंडर ले लिया है और हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर, पहला हमारा प्रोसेस क्या है, पहला हमारा प्रोसेस यह है कि हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम को चेंज नहीं। देखो आप पहले नंबर की कंडीशन आप क्या कर रहे हैं, पहले वाले जो केस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इस जो पिस्टन फिटेड जो हमारा गैस सिलेंडर है
इसके अंदर हम गैस का प्रेशर तो चेंज कर रहे हैं, देखो प्रेशर तो आप चेंज कर रहे हो, सॉरी हाँ P1 से 2P1 प्रेशर तो आप चेंज कर रहे हो, लेकिन आप क्या चेंज नहीं कर रहे, वॉल्यूम चेंज नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होने का मतलब ये समायतिक प्रक्रम है, और समायतिक प्रक्रम में आपको पता है सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, जीरो, क्योंकि आप सबको पता है कार्य होता है P∆V, और चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो है तो कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे हैं, दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे हैं, और पूछा गया है कि इन दोनों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर कार्य क्या होगा। पहला जो प्रोसेस हो रहा है वो उसके अंदर हम पिस्टन फिटेड गैस सिलेंडर ले रहे हैं, इसके अंदर गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर P1 है, और उसको चेंज करके P1 किया जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और आप सबको पता है समायतिक प्रक्रम के अंदर किया गया कार्य क्या होता है, जीरो। तो पहले प्रोसेस के अंदर जो कार्य होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, पहला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर कार्य क्या होगा, जीरो होगा। अब जो दूसरा प्रोसेस है उसके अंदर हमने क्या किया, प्रेशर को चेंज नहीं, लेकिन हम किसको चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज। हम क्या कर रहे हैं, ये पिस्टन फिटेड जो गैस सिलेंडर है इसमें जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर चेंज नहीं कर रहे, बल्कि हम गैस को प्रसारित कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। अब आप सबको पता है कि सिस्टम के द्वारा जो किया गया कार्य है वो होता है W बराबर क्या होता है, -P∆V, क्योंकि यहां आप प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हो तो -P, और आप वॉल्यूम को कितना चेंज कर रहे हो, 2V1 फाइनल, और इनिशियल वॉल्यूम आपका कितना है, V1। तो जब आप सॉल्व करोगे तो समझ में आ गया होगा, दो में से एक गया तो एक, तो आपका आंसर क्या रहेगा, -PV। तो इसीलिए -PV1 आपका आंसर होगा, इसीलिए जो इसका आंसर रहा वो क्या रहा, सेकंड रहा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बड़े शानदार क्वेश्चन थे। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन टेस्ट में दिया गया वो इस बेसिस पे दिया गया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1 मोल आदर्श गैस है, और आप उसके आयतन को उत्क्रमणीय ढंग से 10 लीटर से 20 लीटर तक आप प्रसारित कर रहे हैं। दिमाग में वही रखेंगे, एक पिस्टन फिटेड गैस सिलेंडर है, उसमें हमारी 1 मोल आदर्श गैस है, और उस गैस का आयतन प्रसारित किया जा रहा है 10 लीटर से 20 लीटर तक वो गैस प्रसारित हो रही है। तो आपको ये बताना है कि सिस्टम के द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, और ये जो कार्य है वो हमें किस में निकालना है, अर्घ में निकालना। देखिए ये जो कार्य है ये हमसे किस रूप में पूछा गया है, ये जो आप 10 लीटर से 20 लीटर तक गैस को प्रसारित कर रहे हो वो नियत ताप पर कर रहे हो, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कर रहे हो, इसका मतलब ये समतापीय रूप से आप किसी गैस को क्या कर रहे हो, प्रसारित कर रहे हो, समतापीय रूप से उत्क्रमणीय ढंग से किसी गैस को जब प्रसारित किया जाता है तो सिस्टम के द्वारा जो कार्य किया जाता है W, वो आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर -2.303 nRT log10 V2/V1, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए -2.303 n आपके पास गैस का 1 मोल है। अब क्योंकि यहां कार्य को जूल में नहीं अर्घ में माना गया है, तो आप सब जानते हैं 1 जूल बराबर होता है 10^7 अर्घ, तो r की वैल्यू पहले तो आप लिखोगे 8.3 जूल, और उसको अर्घ में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10^7 से। टेम्परेचर यहां केल्विन में लेंगे तो 298 होगा, लॉग 10। फाइनली पहले आपका वॉल्यूम कितना था, 10 लीटर, बाद में 20 लीटर हो गया, ये 20 ये 10, तो लॉग 2। ऐसा आप ऑप्शन ध्यान से देखें, -2.303 298 ये हो नहीं सकता, देखो यहां देखो -2.98 भी है, 10^7 भी है, 8.3 भी है, 2.303 भी है, log 2 भी है, इसलिए इसका आंसर सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये जो पांचवें नंबर का क्वेश्चन था इस तरह का क्वेश्चन RPSC ने पूछा जा चुका, और छठे नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी हमसे फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा जा चुका। ये आप सबको पता है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पर आधारित क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, एक सिस्टम है जो 600 जूल उसको अवशोषित करता है, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया Q बराबर कितना है, +600 जूल। साथ ही साथ एक सिस्टम 600 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है और इसके परिवेश पर 300 जूल के बराबर कार्य करता है, साथ ही साथ सिस्टम सराउंडिंग पर कार्य करता है
और कितना कार्य करता है, 300 जूल कार्य करता है। इसका मतलब जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो आप सबको पता है वर्क किसके अंदर होगा, नेगेटिव में होगा। और फाइनली हमसे ये पूछा जा रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी जा रही है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछा जा रहा है। तो आप सबको पता है फॉर्मूला हमारा क्या है, डेल ई बराबर क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। जब सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो पॉजिटिव में रखते हैं, सिस्टम के द्वारा जब सराउंडिंग पर वर्क किया जाता है तो वर्क नेगेटिव में रखा जाता है। सॉल्व करोगे तो फाइनली आप सबका आंसर क्या आ गया होगा, अगला क्वेश्चन यह है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब यह है समायतिक प्रक्रम। तो उस समय आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किसके बराबर होगी, समायतिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज, ये कह रहा है कि समायतिक प्रक्रम है। तो आप सबको पता है समायतिक प्रक्रम के अंदर वर्क क्या होता है, जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है, जीरो। समायतिक प्रक्रम है तो आप सबको पता है डेली बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेली किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। समायतिक प्रक्रम है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किसके बराबर होगी, सिस्टम जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वो पूरी की पूरी एनर्जी किसके अंदर काम आ जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने की काम आ जाएगी। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, वन, कि जो भी सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि के बराबर आ जाएगी। तो डेल ई किसके बराबर होगा, क्यू के, तो इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब या अवशोषित ऊष्मा के बराबर, कि सिस्टम जो एनर्जी काम में लेगा या सिस्टम जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वो पूरी की पूरी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। इसीलिए सातवें का आंसर वन रहा। ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसके अंदर जब आप गैस को प्रसारित करते हो तो गैस का टेम्परेचर घटता है। आप सबको पता है रुद्रोष्म रूप से जब हम किसी गैस को प्रसारित करते हैं तो वो एक ऐसी कंडीशन है जहां प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज होते हैं। रुद्रोष्म रूप से जब आप किसी गैस को प्रसारित करते हो तो वॉल्यूम तो बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, लेकिन साथ ही साथ टेम्परेचर के मान में भी क्या आती है, कमी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यही पूछा गया कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर गैस का टेम्परेचर घटता है या सिस्टम का टेम्परेचर घटता है, रुद्रोष्म संपीड़न में, समतापीय संपीड़न में, समतापीय प्रसार में या रुद्रोष्म प्रसार में। तो आप सबको पता है रुद्रोष्म प्रसार में जब हम क्या करते हैं, रुद्रोष्म रूप से किसी गैस को प्रसारित करते हैं तो वो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होता है, और उस दौरान आप सबको पता है गैस के टेम्परेचर में कमी आती है। आगे चलकर हम इसी इफेक्ट को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। वापिस 19वां क्वेश्चन यह है कि आपको यहां ग्रुप दे रखे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निम्न समूहों में से आपको वो समूह छांटना है जिनमें सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी, कहने का मतलब या तो सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाले हैं या सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाले, या तो सारे मात्रात्मक गुणधर्म या मात्रा स्वतंत्र गुण, ये छांट। आप सबको पता है द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, आयतन पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन जो ये दाब है, ये जो दाब है ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम और मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है, गैस थोड़ा प्रेशर लगाए तो भी वो एक एटमॉस्फेयर दाब लगाएगी, खूब सारा गैस प्रेशर लगाए तो भी वो एक एटमॉस्फेयर ही वायुमंडलीय दाब लगाएगी, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करता है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये तीनों ग्रुप एक जैसे नहीं हुए। हीट कैपेसिटी, निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। हीट कैपेसिटी आप सबको पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी। मैंने अभी अभी कहा कोई भी ऊर्जा हो, चाहे वो एंथैल्पी हो चाहे वो आंतरिक ऊर्जा हो, वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, और आयतन भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ये जो चौथा ऑप्शन है आप सबको समझ में आ गया होगा, ये चौथा ऑप्शन में ये जो तीनों प्रॉपर्टी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। यहां आपसे पूछा गया है एक आदर्श गैस के लिए, एक आदर्श गैस में दिए गए प्रक्रम के लिए निम्न में से कौन सा समीकरण उष्मागतिक के प्रथम नियम को
सही रूप से प्रदर्शित नहीं। देखें हमारे पास फॉर्मूला है डेल ई बराबर क्यू के, इसी बेसिस पर क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है समतापीय प्रक्रम, और आप सबको पता है समतापीय जब प्रक्रम होता है उस दौरान जब आप गैस को प्रसारित करते हो तो डेल ई का मान जीरो होता है, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो क्यू किसके बराबर होगा, माइनस डब्ल्यू के। पहला सही है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम जहां से चालू होता है प्रारंभिक और अंतिम अवस्था दोनों एक होती है, और इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं वो सब जीरो होते हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डेल ई बराबर जीरो होता है, क्यू किसके बराबर होगा, माइनस डब्ल्यू। तीसरा एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब रुद्रोष्म प्रक्रम है, और रुद्रोष्म प्रक्रम में आपको पता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार की एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, तो क्यू जीरो होगा, इस स्थिति में डेल ई डब्ल्यू के बराबर होगा, इसीलिए ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही नहीं। चौथा क्वेश्चन तो आपको पता है कितनी ही बार पूछा जा चुका, अगर किसी गैस को निर्वात में, किसी गैस को अगर आप निर्वात में प्रसारित करेंगे तो उस दौरान सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा, क्यों, क्योंकि निर्वात का मतलब यह है एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो है। एक्सपांशन ऑफ ए गैस इंटू वैक्यूम कितनी ही बार पूछा गया, अगर हम किसी गैस को निर्वात में प्रसारित करते हैं तो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, आप सबको पता है W बराबर माइनस पी डेल V होता है, और यहाँ P एक्सटर्नल होता है, और वैक्यूम के अंदर ये माना जाता है कि वैक्यूम का मतलब यह है एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा, तो आपका वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा, इसीलिए इसका आंसर थर्ड रहा। अब जो मेरे क्वेश्चन आगे के हैं वो आपके एंट्रोपी पर आधारित है, आप सबको पता है एंट्रोपी हमें ये बताती है सिस्टम की रैंडमनेस के बारे में बताती है, निकाय की अव्यवस्था के बारे में बताती है। यहां आपको तीन केस दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं धनात्मक एंट्रोपी परिवर्तन रखती है, यानी इनमें से वो कौन से केस हैं जिनके अंदर एंट्रोपी बढ़ती है। अगर आप पहले वाले केस में देखेंगे तो ए जी प्लस सी एल माइनस आपस में जुड़कर ए जी सी एल का प्रेसिपिटेट बना रहे, आप सबको दिख रहा होगा जब प्रेसिपिटेशन होता है तो सीधी सी बात है लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी घटती है, इसीलिए पहला आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर तो एंट्रोपी घट रही है। यहां अमोनियम क्लोराइड आपको दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड का डिसोसिएशन हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड का वियोजन हो रहा है, एक अणु दो अणुओं में टूट रहा है और अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो आपको पता है एंट्रोपी बढ़ेगी, तो डिसोसिएशन के केस में एंट्रोपी बढ़ती है, बिल्कुल सही है, डिसोसिएशन के केस में एंट्रोपी बढ़ती है। यहां अगर आप देखेंगे अमोनिया का विघटन हो रहा है N2+3S2 में, अमोनिया टूट रहा है N2+3S2 में, डिसोसिएशन जब भी होता है एंट्रोपी बढ़ती है, पहले आपको पता है अणुओं की संख्या दो थी, बाद में अणुओं की संख्या चार हुई, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अव्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि एंट्रोपी कहीं ना कहीं पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, अव्यवस्था पर निर्भर करती है, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, सेकंड और थर्ड, इसीलिए 11वें का आंसर क्या कट रहे। अगला क्वेश्चन यह है कि अगर आप दो गैसेस को आपस में मिक्स कर देते, आप सोचो खुद ही, मान लीजिए इस कमरे के अंदर एक ही गैस है तो गैस के अणु कम होंगे, और मान लो इस कमरे के अंदर दूसरे गैस के अणु और मिला दिए जाए तो गैस के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और गैस के अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अव्यवस्था बढ़ेगी। भाई तो एंट्रोपी कब बढ़ती है, जब अव्यवस्था बढ़ती है। मान लो मेरे इस कमरे के अंदर 50 बच्चे बैठे और कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई कि ऊपर वाले बच्चों को भी इस कमरे में बैठाना पड़ा, तो 50 और 50 कितने हो गए, 100 हो गए, तो सीधी सी बात है ये कमरा खचाखच बढ़ जाएगा, और खचाखच बढ़ेगा तो अव्यवस्था बढ़ेगी, और अव्यवस्था बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो अगला क्वेश्चन यही है कि कोई दो नॉन रिएक्टिव गैसें हैं, अगर आप उसको मिक्स करोगे तो सीधी सी बात है गैसों को अगर मिक्स करोगे तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है एंट्रोपी में क्या होगी, वृद्धि होगी, इसीलिए 12वें का आंसर क्या रहा, सेकंड रहा। यहां आपको पूछा जा रहा है कि ये गैस है PCl5 और हम इसको डिसोसिएट कर रहे हैं PCl3 और Cl2, तो एंट्रोपी पर क्या फर्क पड़ रहा है, और साथ ही साथ एंथैल्पी पर क्या फर्क, आप सबको पता है अगर आप PCl5 को तोड़ोगे PCl3 और Cl2 में, तो किसी पैन को तोड़ना या किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर आप किसी चीज का विघटन कर रहे हो
तो एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब पीसीएल फाइव को जब आप पीसीएल थ्री और सीएल टू, भाई पीसीएल फाइव कैसे टूटता है पीसीएल थ्री और सीएल टू में, सीधी सी बात है पीसीएल फाइव को एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ लिखा भी है डेल, डेल का मतलब यह है कि पीसीएल फाइव को आप एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने का मतलब उष्मा शोषी प्रक्रम है, और उष्मा शोषी प्रक्रम है तो डेल एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस वाले केस के अंदर डेल एच पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट और फोर्थ तो हो नहीं। अब मुझे ये दिख रहा है कि डिसोसिएशन का केस है, पहले एक अणु था, बाद में अणुओं की संख्या दो हुई, अणुओं की संख्या बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और एंट्रोपी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है अगर डिसोसिएशन होता है, विघटन होता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। इसीलिए इस केस के अंदर जब पीसीएल फाइव का आप विघटन करेंगे तो उष्मा शोषी प्रक्रम होगा और साथ ही साथ एंट्रोपी बढ़ेगी, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, सेकेंड रहा। इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जहां आपको लग रहा है कि एंट्रोपी बढ़ती है, या एंट्रोपी बहुत ज्यादा चेंज होती है या एंट्रोपी बढ़ती है? क्वेश्चन यह है कि इनमें से आपको सेलेक्ट करना है वो रिएक्शन जिसके अंदर आपको लगे कि एंट्रोपी में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है या एंट्रोपी बढ़ रही है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो यहां देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो देखो जब भी एसोसिएशन होता है, जब भी दो चीजें जुड़ती हैं तो अणुओं की संख्या कम होती है। पहले कैल्शियम और ऑक्सीजन के डेढ़ अणु थे, ये एक और ये आधा, डेढ़ अणु थे, बाद में एक अणु रह गया, यानी कि अणु आपस में जुड़ गए। मैं कहूं दो एक बन गए, तो दो एक कब बनते हैं, जब आपस में जुड़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है जब भी एसोसिएशन होगा अणुओं की संख्या कम होगी, पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी, पदार्थ की मात्रा कम होगी तो एंट्रोपी घटेगी। दूसरे केस के अंदर अगर आप देखोगे तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म कर रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, कैल्शियम ये विघटन का केस है, पहले एक अणु थे बाद में दो अणु बने, अणुओं की संख्या बढ़ी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अव्यवस्था बढ़ेगी, और अव्यवस्था बढ़ेगी तो सीधी बात है एंट्रोपी। यहां देखो एसोसिएशन हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर CO2 बना, पहले दो अणु थे बाद में एक ही अणु रह गया, यानी एसोसिएशन हुआ, एंट्रोपी कम होगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, एसोसिएशन का जब केस होता है तो वो जो केस होता है उस दौरान एंट्रोपी कम होती है, और डिसोसिएशन का जब केस होता है उस दौरान एंट्रोपी बढ़ती है। इसीलिए 14वें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एंट्रोपी परिवर्तन पर है, आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर रखा है, एक आदर्श गैस है और उसके दो मोल हैं, और आप उसको 300 केल्विन से 600 केल्विन तक गर्म कर रहे हो, और आपसे पूछा जा रहा है एंट्रोपी के अंदर क्या चेंज होगा। तो आप सबको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कम दाबीय जब प्रक्रम होता है उस दौरान चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल एस बराबर एनसीपी, एनसीपी एलएन, डेल एस बराबर एनसीपी एलएन टी टू बाई टी1, एन की वैल्यू यहां पर कितनी है, गैस के दो मोल है, सीपी कितना दे रखा है उस गैस के लिए, 5/2 R, एलएन पहले टेम्परेचर 300 केल्विन है, बाद में 600 बटे 300, 2 से 2 गया, एक ऑप्शन ऐसा हो रहा होगा जिसमें 5R एलएन 2 आ रहा होगा, इसीलिए आंसर 15वें का थर्ड रहा। ध्यान करेंगे दो फॉर्मूले मैंने कॉपी में लिखाए हुए हैं कि एंट्रोपी में चेंज कैसे निकाल, ध्यान आ गया होगा, ये समदाबीय प्रक्रम है, और समदाबीय जब प्रक्रम होता है और टेम्परेचर में अगर आप चेंज कर रहे होते हो तो एंट्रोपी में चेंज निकालने का फॉर्मूला एनसीपी 22/T। क्वेश्चन नंबर 16, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है, बिल्कुल सही है, कोई भी एनर्जी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सही है, गिब्स फ्री एनर्जी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है, और गिब्स फ्री एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये बात गलत है। मैं पहले ही बता चुका कोई भी एनर्जी जो होती है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो कहीं ना कहीं पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करती है। देखो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आप गाड़ी लेने जाते हैं, मोटरसाइकिल लेने जाते हैं, तो आपका क्या क्वेश्चन, हिसाब ये कितने की पड़ेगी, एक लीटर पेट्रोल में ये मुझे कितना एवरेज देगी, दीज आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं घुस जाऊं अच्छे से अंदर, हिसाब इसका इंजन किसका बना हुआ है,
इंजन जो घूमता है उसका आरपीडब्ल्यू क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। अगर आप डीप में चले गए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो थर्मोडायनेमिक्स में दो प्रॉपर्टीज होती है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो थर्मोडायनेमिक के से मैक्रोस्कोपिक। फर्स्ट ग्रेड में इस साल भी पूछा गया था कि आप निम्न में से कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कोई सा भी टेम्परेचर हो, सभी टेम्परेचर पर स्वतः होने को सुनिश्चित कर। यानी क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें सभी ताप पर हर हाल में स्वतः प्रक्रम होगा। तो आपको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो चीजें चाहते हैं। सामान्यतः सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उष्मा क्षेपी होते हैं, डेल एच नेगेटिव होता है। और दूसरा प्रोसेस आपको पता है, भाई हमें पता है कि ज्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं या ज्यादातर जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस क्यों है, स्वतः क्यों है। तो उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है, हर कोई सिस्टम ये चाहता है मेरी एंट्रोपी बढ़े, हर कोई सिस्टम ये चाहता है कि मेरी अव्यवस्था बढ़े, डेल एस का मान पॉजिटिव हो, और साथ ही साथ हर कोई सिस्टम ये चाहता है कि मेरा जो प्रक्रम है वो उष्मा क्षेपी हो। क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कंपाउंड को उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। ये क्वेश्चन इस साल फर्स्ट ग्रेड 2022 में भी आया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो सभी टेम्परेचर पर कब स्पॉन्टेनियस हो सकता है। पहली बात तो वो उसके लिए वो रिएक्शन उष्मा क्षेपी होनी चाहिए और साथ ही साथ एंट्रोपी के मान में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, सेकेंड रहा। फर्स्ट तो इसीलिए नहीं रहा क्योंकि ये तो उष्मा शोषी प्रक्रम है। फोर्थ क्यों नहीं रहा, उष्मा शोषी प्रक्रम है। सर थर्ड क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर उष्मा छेपी तो है लेकिन एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी घटनी थोड़ी चाहिए, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। इसीलिए इसका आंसर सेकंड। एक रिएक्शन है जिसके लिए डेल एच नेगेटिव है, ठीक है, उष्मा छेपी अभिक्रिया तो स्वतः प्रक्रम होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि डेल एस भी नेगेटिव है। कहने का मतलब उष्मा छेपी प्रक्रम है लेकिन एंट्रोपी बढ़ नहीं रही, एंट्रोपी कम हो रही, तो फिर वो क्या कंडीशन होगी जिसके अंदर ये प्रक्रम स्वतः होगा। सर इसका कोई एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो इसका एग्जांपल होता है जैसे हम देखें संघनन, कंडेंसेशन। आपने देखा होगा जब पानी की वाष्प पानी में बदलती है, वाष्प जब पानी में बदलती है तो वहां दो चीजें हो रही है। वाष्प जब पानी में बदलती है तो पहली बात तो वाष्प जब पानी में बदलती है तो वाष्प ठंडी होती है, तो पहली बात तो ये प्रक्रम उष्मा क्षेपी है। भाई जब आप पानी को गर्म करते हो, पानी को वाष्प में गर्म करते हो बेटा, तो आपको पता है ये प्रक्रम तो उष्मा शोषी है। अरे हाँ यार, और वाष्प जब पानी में बदलती है तो आपको पता है ये प्रक्रम उष्मा क्षेपी है। लेकिन आपको पता है वाष्प जब पानी में बदलती है एंट्रोपी क्या हो रही है, क्योंकि गैस लिक्विड में बदल रहा है तो आपकी एंट्रोपी कम, ये वाला। अब आप खुद ही सोचो संघनन कब होता है, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर होता है तभी तो कंडेंसेशन, तभी तो पानी की वाष्प पानी में बदलती है। और वैसे भी आपको पता है कि ये पूछना चाह रहा है एक रिएक्शन ऐसी है जिसके लिए डेल एच नेगेटिव है, डेल एस भी नेगेटिव है, तो किस कंडीशंस के अंदर वो रिएक्शन अपने आप होगी या स्वतः प्रक्रम कब होगा। तो आप सब जानते हैं डेल जी बराबर डेल एच माइनस, किसी भी स्वतः प्रक्रम के लिए हमें पता है डेल जी नेगेटिव होना चाहिए। यहां हमें क्वेश्चन के अंदर डेल एच नेगेटिव दे रखा है, डेल एस भी नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में कब आएगी, जब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो और ये वाली वैल्यू कम हो। और ये वाली वैल्यू कब कम होगी, जब टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, लेकिन कब होगी, जब टेम्परेचर ये कमी। क्या ये रिएक्शन सभी ताप पर स्वतः होगी, नहीं, सभी ताप पर अस्वतः होगी, नहीं, केवल निश्चित ताप के ऊपर, ना केवल एक निश्चित ताप के नीचे ही ये, इनके लिए जब लो टेम्परेचर होगा उस लो टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन स्वतः होगी। निम्न में से वो कौन सा विकल्प है जिसमें पहला यौगिक दूसरे यौगिक की तुलना में कम एंट्रोपी रखता है, मतलब आपको ये छांटना है, यहाँ चार चीजें दे रखी है और आपको ये छांटना है जिसके अंदर पहला कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की तुलना में एंट्रोपी कम रखता है। कहने का मतलब इन चारों में वो केस छांटना है जिसके अंदर दूसरे कंपाउंड की एंट्रोपी पहले कंपाउंड की एंट्रोपी से, यह है क्वेश्चन। जैसे अगर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का जलीय विलयन दे दिया
तो सीधी सी बात है, अगर आपको वन एक मोल मैग्नीशियम क्लोराइड का जलीय विलयन दे दिया, पानी में डालोगे तो ये तो आपको तीन आयन देगा, और एक मोल नमक को पानी में डालोगे तो ये आपको दो आयन देगा। तो सीधी सी बात है, एक मोल मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो ये आपको तीन आयन देगा, और एक मोल नमक को जब पानी में डालोगे तो वो आपको दो आयन देगा। लेकिन दोनों ही केसों में एंट्रोपी तो बढ़ेगी। लेकिन पहले केस में एंट्रोपी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक मोल से मुझे तीन मोल मिल रहे हैं, एक मोल से मुझे तीन मोल आयन मिल रहे हैं। जितने ज़्यादा मुझे आयन मिलेंगे, जितना ज़्यादा मुझे पदार्थ मिलेगा, जितनी ज़्यादा पदार्थ की मात्रा मिलेगी, आप सबको पता है एंट्रोपी उतनी। और वैसे भी आप सब सोच सकते हैं, जब मोल बराबर होते हैं तो हम कहीं ना कहीं परमाणुकता को देखते हैं। इसकी परमाणुकता तीन है और इसकी परमाणुकता दो है, तो पहले वाले की एंट्रोपी दूसरे वाले से ज़्यादा हो। सही। दूसरा केस में इन्होंने दोनों ही केस में लिक्विड ब्रोमीन लिया है। पहले टेम्परेचर 25 डिग्री है, बाद में 20 डिग्री है। आपको पता है टेम्परेचर को कम कर दिया तो हमारी एंट्रोपी कम होगी, पहले की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, दूसरी एंट्रोपी कम। तीसरे वाले केस के अंदर अगर हम देखें, ठोस मरकरी ऑक्साइड और ठोस मरकरी सल्फाइड। उससे पहले एक बार आप चौथे को देखो, चौथे के अंदर पहले वाला लिक्विड ब्रोमीन है, ये सॉलिड आयोडीन है। आप सबको पता है लिक्विड की जो एंट्रोपी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, यानी फर्स्ट वाले की एंट्रोपी सेकंड वाले से ज़्यादा है। लेकिन इसका आंसर थर्ड क्यों गया? क्योंकि आपको पता है ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, इसकी भी एटोमिसिटी दो है और इसकी भी एटोमिसिटी दो। जब दोनों का फिजिकल स्टेट एक जैसी हो, दोनों के एटोमिसिटी एक जैसी हो, दोनों के मोल एक जैसे हों, तो फिर हम मॉलिकुलर मास को देखते हैं। मरकरी ऑक्साइड और मरकरी सल्फाइड में मरकरी सल्फाइड का मॉलिकुलर मास ज़्यादा निकल रहा है, इसीलिए इसकी एंट्रोपी की तुलना में ज़्यादा रही, इसीलिए 19वें का आंसर थर्ड रहा। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, आपको पता है जब हम किसी गैस को रुद्रोष्म रूप से उत्क्रमणीय ढंग से प्रसारित करते हैं तो वो प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक होता है। रुद्रोष्म रूप से उत्क्रमणीय ढंग से जब आप किसी गैस को प्रसारित करते हो तो आप सबको पता है वो आइसोएंट्रोपिक। थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ मैंने पूछा, आप सबको पता है थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ क्या है कि जीरो केल्विन परम शून्य जो पदार्थ है, जीरो केल्विन परम शून्य ताप पर जो हमारे शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनकी एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट गया। उम्मीद करता हूँ आज के जो 21 क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो आप सब, और बार बार मैं जरूर आपसे कहूँगा बेटा टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस साल टेस्ट सीरीज टेबल अब जो मैं 25 तारीख से बनाऊंगा वो इसी तरीके का बहुत शानदार होगा। थैंक यू। और रही खाने वाली क्लास की, तो खाने वाली क्लासेस तो मैं नवंबर में स्टार्ट करूंगा जब हमारी संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम से एक महीने पहले, उसके अंदर हम केवल आरपीएससी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो डिफरेंट टाइप्स एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन। हेलो, थैंक यू।